अंदर चलो, वो जाट लाठी बरसाने आए रे, अंदर चलो। रुक जा, अरे कहाँ है बाहर निकल, बुला अपने भाई को, बुला अपने भाई को। ओए मामा बाहर आ, बाहर आ, आ तेरी पीठ पूजा करूं। ससुर जाट जाटन का अपमान करता है तू। निकल बाहर, जब भी माँ का दूध पिया है चलाएगा हम पे बंदूक, चला बंदूक। देखिए अपने भैया की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। भूल गई वो दिन जब यही भाई तेरा हल चरा कर ले गया था। अब इस बेईमान का भात कौन खाएगा इस गांव में। ये लो, ये आप ही की लड़की है, इसी गांव में जन्मी है ये, और इसके कान में दी हुई बालियां एक जाटनी की ही है। अब चाहे ब्याह दो या चाहे मार डालो इसे। साची, अरे कर क्या रहा है तू? अरे ये सारे गांव की बिटिया है, जानता है कितनी पढ़ी लिखी है? ब्याह शादी में गवार से गवार आदमी भी सभ्यता का व्यवहार करे, और एक तू है जो ऐसी अनोखी शादी में गवारों जैसा व्यवहार कर रहा है, बिना बात का पतंगड़। एहतराम, बाहर आ। एहतराम, माफी मांग इनसे और बात का न्योता दे। हम माफी मांगा थे, हम आपके पांव पड़े थे, यदि आप भात नहीं खाएंगे तो जे शादी शादी न लगेगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो जी, हमें माफ कर दो। चलो हुक्का सुलगाओ, शादी का गानवान शुरू करो। गणपते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। फिर से मैं बहुत दर्द हो रहा है, लगता है सुई सिर तक पहुंच गई है। कब से दौड़ रही हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं ग्लूकोज ले आती हूँ। काकी जी, कैसी शादी? द्वारा चार में कछु लाओ ना कछु दाओ। अरे तू चुप रह, कस्तूरी ने पढ़ाई ली है और पढ़ाई दी है, समझी? हाँ। कन्या के सभी रिश्तेदारों को बुलवाइए, कन्या दान करवाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं पंडित जी, मैं बिटिया को दान में नहीं दे रही। सर्व मंगल मंगल गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप लोग खड़े हो जाइए फेरे के लिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पूर्णिकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। तीर्थराणि प्रचलन्त शिखाहस्राणि तैषागुं सहस्रयुजने बधन्वानि तम् असीहि। यानि कानि पापानि च जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि नक्षत्राणि पदक्षणां पदे पदे। ऐसी फटाफट शादी तो हमने कब ना देखी।
बने दूल्हा जब देखो भगवान की। कस्तूरी जी, बरातियों ने खान कटोरा लौटा दिए हैं, कहते हैं इसमें फूफा जी के लिए ना अंगूठी ना पैसा। ननकू, जाकर कह दो समधी जी से कि हमने पूरे ब्याह में नकदी का व्यवहार कहीं नहीं किया है। समधी की परवाह मत करो, खान कटोरा तो जीजा फूफा का नेक होता है। भाई समझाने को तो हम समझा दें कि ये ब्याह नगद नकदी की शर्त पे नहीं हुआ था। पे कस्तूरी, अड़ने से का फायदा, थोड़ा बहुत नेक दस्तूर करके मौली की विदा करो। भाई हमारा तो यही कहवो है। इतना कमाया कस्तूरी, थोड़ी तो टैट ढीली करो, एक ही तो बिटिया है तुम्हारी। लड़की विदा हो ना हो, मैं एक ढेला नहीं खर्चूंगी। हाय दैया, जा ब्याह में तो 10 ब्याह के बराबर बवंडर मच गए। ये मेरी ओर से कोई कर्ज नहीं, एहसान भी नहीं। ब्राह्मण की बेटी के ब्याह में चाचा भैया की हैसियत से पुण्य में दे रहा हूँ। कितने पैसे की जरूरत है, ला हम दिए देते। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल सिद्धांतों का है। मैं अपनी बेटी का मोल उन सौदागरों को नहीं दूंगी, मुझे बेटी बेचना नहीं है। ननकू, बारातियों से पूछ कर आ कि वो खाना खा कर जाएंगे या फिर भूखे पेट लौटना चाहेंगे। अरे अगर ऐसा ही था तो बेटी की मंदिर में शादी कर देते, कचहरी में जाके कागजी शादी कर देते, जे सब ढूंढ ढूंढ की का जरूरत थी और का। तुम फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गौरा, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर खड़ी रही हो ना, थक गई हो, बैठो। लगता है सुई पैर तक पहुंच गई है, मैं ठीक करती हूँ, बस मुझे एक बार डॉक्टर से बात करने दीजिए। जैसा तू ठीक समझे। गौरा दीदी, मैं तो जन्माष्टमी में जा नहीं सकती, आप उन्हें बुला लाएंगी? ठीक है, लेकिन बात को बिगाड़ मत देना, तुम भी तो अपनी माँ की तरह हो, एक बार अड़ गई सो अड़ गई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम आराम करो। आप लेट जाइए। क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया क्यों? अम्मा ने और कुछ हद तक मैंने ये तय किया है कि खान कटोरी में हम अंगूठी पैसा नहीं रखेंगे। आप मुझे साथ ले जाने आए हैं या हमेशा के लिए साथ छोड़ने? बोलिए। मैं साथ छोड़ने नहीं, साथ देने, साथ निभाने के लिए आया हूं। अम्मा से कहो विदाई की तैयारी करें। सच? अब सच कह रहे हैं? मैं तो कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लोग भी यहाँ हैं। माँ बेटी दोनों में इतना साहस, इतना बल, कमाल है। मैं अम्मा को अभी बताती हूँ। अम्मा, वो मान गए हैं, कहते हैं विदाई की तैयारी शुरू करो। गौरा, लड्डू की डलिया बनवाना शुरू कर दो और लोगों से कह दो कि विदाई होने वाली है। वाह पुष्पा बेटी, तुम तो अभी से डॉक्टर के दिल पे राज करने लगी। सच बताओ, ये जादू तुमने किया कैसे? दिमाग, जिगर, हिम्मत और ज्ञान से। मैं तैयारी कराती हूँ। हाँ। मैत्री, तेरी विदाई होने वाली है इसलिए मैं तुझे कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। अमल करेगी ना तो हमेशा खुश रहेगी। बोलिए। देख, गांव में तुझे नासमझ औरतों की तरह बर्ताव नहीं करना है और किसी के पैर वैर पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोटी छुआई और खिचड़ी पकाई जैसी रस्में ये औरतों को सिर्फ चूल्हे से बांधने के लिए ही होती है। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैत्री, कोई भी कहे ना तो साफ मना कर देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी पढ़ाई की धौस जमाती फिरे। सबको आदर देना,
सबसे प्यार करना। ज्ञान का मतलब होता है उचियारा फैलाना, इसलिए तू आगे जरूर पढ़ना, एमए करना, पीएचडी करना। अम्मा, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है ना, मुझे माफ करना। भक्ली, माँ के लिए बेटियां कभी कष्ट नहीं होती। घूंघट नहीं उठाओगी? सोच के बताओ क्या हो सकता है। नेकलेस? नहीं। घड़ी? नहीं। पता नहीं। चलो ठीक है, तुम खुद ही देख लो। शेफर्स पेन? हाँ, मुझे पता चला तुम्हें कविताएं लिखने का बड़ा शौक है। ताए तो अखबारों में भी छप चुकी है। इससे मेरे लिए प्यार भरी कविताएं लिखना। इससे अच्छा तोहफा तो और कोई हो ही नहीं सकता। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए भी कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को शब्द सिखाएंगे बाजरा। क्या शब्द सिखाएंगे? बाजरा। बिल्कुल सही, बाजरा। ये आप लोगों ने देखा तो होगा, है ना? और सुना भी होगा। लेकिन आज हम आप लोगों को इसे लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है? देखिए, बाजरे का सबसे पहला अक्षर होता है ब। क्या होता है? ब। हाँ, देखिए इसे ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले एक आधा गोला, ठीक है? उसके बीच में एक कटा और साथ में जुड़ा ये एक डंडा। क्या बन गया? बिल्कुल सही। अच्छा देखो, ये जो सीधा डंडा है इसे कहते हैं आ की मात्रा। क्या कहते हैं? आ की मात्रा। हाँ, तो अगर इस डंडे को ब के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताओ कि बा से और क्या शब्द बन सकते हैं? बाबा। बिल्कुल सही, बाबा। अरे काकी, कस्तूरी, हमें माफ कर दो। काकी, ये क्या कर रही हैं आप? हम जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहे, हमें मूर्ख बनते रहे, हमसे गलती हो गई। कस्तूरी, हमें माफ कर दो। कस्तूरी, कस्तूरी, हमें तुम्हारी शिक्षा का तेल और बाकी धार दिखाई दे गई। अरे हम सब तो ऐसे ही मूर्ख बनते रहे। कुसना, तुम लोग बाहर जाओगे, हमें इसे तनक खास बात करनी है। अरे पर बात क्या है काकी, ये तो बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जे लोग कह रहे थे कि हम पढ़ सकते हैं, कहा हम पढ़ सकते हैं? हमारी मोड़ी की शादी भी डॉक्टर डॉक्टर से हो जाए तो बाकी जिंदगी भी बन जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हो, इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। जे लोग हम पर हंसेंगे तो नहीं कि हम बुढ़ापे में? अगर शर्म लगेगी तो? तो घूंघट ओढ़ के पढ़ लेना। काकी, पढ़ने लिखने के लिए कोई भी उम्र बड़ी नहीं होती। तो कस्तूरी, हम तो आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, बैठिए। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हम आज शब्द सीख रहे थे बाजरा। क्या सीख रहे थे? बाजरा। बिल्कुल सही। तो हमने लिखना सीखा ब,
काकी देखो, ये आधा गोला, साथ में एक डंडा और बीच में ये कटा, ये हो गया ब, ठीक है। ससुराल में एडजस्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, आज पूरा एक महीना हो गया है। इन 30 दिनों में पति को कुछ अधिक जानने का मौका मिला। कल पूछने लगे, नंदकिशोर कौन लगता था? मैंने चंदना की कथा पढ़ी थी, कुंवर जी ने पूछा था, सुनार तुम्हारा क्या लगता है? चंदना ने कहा था, कुछ भी नहीं, और कुंवर जी ने उसका गला काट दिया था। इसके बावजूद मैंने कहा कुछ नहीं, और देखने लगी कि डॉक्टर मेरा क्या करता है। काटे मेरा गला, मैं इसको काट दूंगी, क्योंकि मैं चंदना नहीं हूं। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर बात ही टाल दी। वो दो दो तीन तीन दिन तक डॉक्टरी के काम से बाहर जाते हैं, और लौटकर अंधेरा होते ही मुझे ऐसे मनमानी ढंग से झिंझोड़ते हैं कि सोचती हूँ, यदि पति का रूप यही है तो उसका नाम जल्लाद या दरिंदा होना चाहिए। लेकिन अब ये बुखार भी कम होने लगा है, अब मैं कम, डॉक्टरी दवाएं टैबलेट्स उनके दिमाग में ज़्यादा घूमती हैं। अरे अभी से क्यों सो रहे हो तुम? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दिखाओ। मत छुओ, इरिटेशन होता है। ये क्या बात हुई? अगर फूल कहेगा मुझे मत छुओ तो क्या कोई नहीं छुएगा? तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल गर्म नहीं है, रत्ती भर भी बुखार नहीं है तुम्हें। तुम क्या थर्मामीटर हो? सुनो, नाराज हो मुझसे? मुझसे कोई भूल हो गई? सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। मुझे नींद नहीं आ रही है। तो नींद की गोली दे देता हूँ, नींद आ जाएगी। मैं क्या यहाँ नींद की गोली खाकर सोने आई हूँ? मैं छत पर जा रही हूँ, खुली हवा में, मन करे तो आ जाना। मैं घंटे भर उस रात छत पर खड़ी रही, वो नहीं आए। लौट कर देखा तो दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में खुर्राटे भर रहे थे। आज उन्होंने फिर से एक अजीब सी बात कह दी, कहने लगे, सुनो यहाँ कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारा फेस कट अच्छा नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैंने तुम्हें पसंद किया है, शादी की है, प्यार किया है, और कितनी ही खूबसूरत लड़कियां खारिज की थी। पसंद किया है, शादी की है, प्यार भी किया है, तो फिर लोगों का कड़वा संदेश क्यों सुनाते हो मुझे? यही जताना चाहते हो ना कि मेरा फेस कट अच्छा ना होने के बावजूद मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान कर रहे हो तुम? तो मेरी बात को कहां से कहां तक ले गई? जान सकती हूँ कि कौन कहता है मुझे कुरूपा? किसका नाम लूँ? तुम यहाँ जानती ही किसको? अपना नाम लो ना, मैं यहाँ तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। खैर छोड़ो। नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, बात को अधूरा छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम बहुत सुंदर भी हो। अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं तो सह पाओगे? बोलो, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। अगर मैं ये कहूं कि तुम मेरी नहीं मेरी माँ की पसंद थे तो निश्चित ही तुम्हारा स्वाभिमान हुंकार उठेगा। क्यों? और आगे अगर ये कहूं कि मुझे तो वो इंजीनियर पसंद था जिसे माँ ने जिद और दहेज के कारण मना कर दिया, तो कम से कम वो लोग सच्चे तो थे। देखो मेरी बात का तुम बुरा मान रही हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के लोग शक्ल की खूबसूरती पर जाते हैं, योग्यता को कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, लेकिन लोगों के कहने पर क्यों घबराते हो तुम? अपने आप पे भरोसा नहीं तुम्हें? दूसरा महीना बीता
तो मायके से बुलावा आ गया। क्या हुआ मैत्रेय? मैत्रेय तो ठीक है? अरे, अरे वो पेट से है ना, आप नानी बनने वाली हैं। इतनी जल्दी क्या थी तुझे मां बनने की? तुझसे मैंने कहा था ना कि पहले एमए कर, पीएचडी कर, पर तुझे तो शायद बच्चा ही करना था। अरे जी तो खुशी की बात है, मैं जमाई बाबू को बुला के पेड़े बटवाऊंगी। अरे अम्मा लाइए, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा ये और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, दिक्कत कैसे, कोई पैदल चलते हुए थोड़ी ना आया हूं। और तुम्हारा खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? हरी सब्जी, दूध, फल, रोज घूमने जाना ताजी हवा में। कहाँ बेटा, ये तो कुछ भी नहीं खाती, 10 बार बोलो ना तब जाकर खाती है। क्यों, ये तो गलत है, और एक डॉक्टर की बीवी को तो हेल्थ कॉन्शियस होना ही चाहिए। बेटा तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी यहाँ अच्छे डॉक्टर तो है नहीं, और तुम्हारे साथ रहेगी तो मेरी फिक्र भी कम हो जाएगी। नहीं, जरूरी काम में फंसा हुआ था, इस बार मैं इसको लेने ही आया हूँ। आपके पैर का दर्द कैसा है? पता नहीं बेटा, वो तो सब कुछ सुई की दशा पर निर्भर करता है, जब पैर में पहुँचती है तो पैर दुखता है, सीने में पहुँचती है तो सीना। अलीगढ़ आ जाइए, मैं दिखवा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें दिक्कत नहीं दूंगी, यही किसी अस्पताल में दिखवा दूंगी मैं। वैसे भी जिंदगी में इतनी सारी सुइयां चुभी हैं कि अब तो आदत सी पड़ गई है। इस गांव में शिक्षा का दर बहुत कम है, वहां जाके आपको बच्चों को पढ़ाना है। नमस्ते। अरे इस बार बहुत दिनों बाद याद आई हमारी दीदी। क्या करूं बताओ, जब से प्रमोशन हुआ है ना समय ही नहीं मिल पाता, झांसी में भी पैर नहीं टिका पाती मैं, कभी ओरछा तो कभी इधर तो कभी उधर। खैर कैसे हो तुम सब? ये नई सदस्य हैं? हाँ, ये चंपा आहिरवार है। नमस्ते। अच्छा सुनो, मैं यहाँ बीडीओ साहब और समाज कल्याण मंत्री जी के साथ दौरे पर आई हूँ, तो वो कुछ और लोगों के साथ दोपहर का खाना यहीं पर खाएंगे हम सब के साथ, ठीक है? तो तुम ऐसा करना कि तुम कृष्णा से पैसे ले लेना और बाजार जाकर सब्जी भाजी खरीद लेना और खाना भी पका लेना। हम खाना बनाएंगे। हाँ तुम सब मिलकर पकाओगे, ठीक है? हमसे रूखा सूखा जो भी बन पड़ा बनवा दिया हम लोगों ने। बैठ। क्या नाम है बेटी आप लोगों का? जी मेरा नाम चंपा अहिरवार है। और मैं हबीबा सिद्दीकी। भाई मुझे तो भूख नहीं है, आप ही लोग खाइए। अरे मुझे तो मालूम ही था, मेरा तो उपवास है आज। सर यदि आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो इन सबको बहुत बुरा लगेगा, बहुत मेहनत से बनाया इन सब ने खाना, और फिर शायद इन्हें ये भी लगे कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए इनका छुआ नहीं खा रहे, और फिर हमारा मकसद तो जात पात और छुआछूत के बंधन से ऊपर उठना है, पर कोई विवशता नहीं है। ठीक है, ला भाई ला। हबीबा आज शर्मा जी का उपवास है, इनके लिए जरा दूध लेकर आओ। और सब ठीक चल रहा है ना आपका पौड़ शिक्षा का काम? जी हमने 3,275 प्रौढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया है। अच्छा अच्छा। आप तो मंत्री और अधिकारी को भी घेर क्यों मारती है? बदतमीज, कहीं उन लोगों ने सुन लिया ना तो तेरी नौकरी तो जाएगी और साथ में मेरी भी जाएगी। कुछ नहीं करे। लेकिन रमेश अभी तो समय बचा था ना, फिर ये अचानक दर्द कैसे उठ गया? तुम ऐसा करो कि कोई समस्या अगर है तो बहू को अस्पताल ले जाओ। पिताजी मैंने इसीलिए डॉक्टर अस्तरी को यहाँ बुलवाया है। बेटी हुई है, सतमासी है, उसकी सांस ठीक नहीं चल रही। तो हमें क्या करना होगा? फौरन अस्पताल ले जाना।